दुआ तुझसे यही करता हूँ मालिक कि मुझसे जो बिछड़े हैं तू उनको मिला दे अल्लाह। सुनिएगा कि हाथ उठा कर मैं दुआ तुझसे यही करता मुझसे जो पिछड़े हैं मुझसे जो पिछड़े हैं कि हाथ उठाकर मैं दुआ तुझसे यही करता हूँ मालिक कि मुझसे जो पिछड़े हैं तू उनको मिला दे अल्लाह। आती है दर पे रोज फरिश्तों की टोलियां जन्नत से कम नहीं है मदीना रसूल का क्या आती है क्या आती है दर पे रोज फरिश्तों की टोलियां जन्नत से कम नहीं है मदीना रसूल का खिलते हैं आज भी वहां ईमान के गुलाब
अरे टपका जहां जहां पे पसीना रसूल का बोले सामाई नजरात, आपके सामने एक नाते पर पेश करने जा रहा हूं। अगर कोई अशार पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर बोल दीजिएगा कि इबादतों का हमेशा यूं ही भरम रखा, फरिश्तों ने भी अदब से सरों को खम रखा। न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हज़रत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है तांडा बाज़ार कारखाना सिल्लोड़ में। तो हमारे साथ में यहाँ दरगाह पे आए हुए अकीदतमंद भी मौजूद है, छगन भागवत साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानते हैं। सर आप यहाँ ज़्यारत के लिए आए दरगाह में, तो दरगाह में कितने सालों से मतलब यहाँ उर्स मनाया जाता है उस बारे में दर्शकों को बताइए। ये तांडा गाँव में मेरे जन्म के पहले से ही यहाँ पे उरुस जमाल शाह बाबा जी का उरुस, ये पंचवर्षीय के नागरिक तांडा बाजार गावाली पिंपलगाँव सिद्धेश्वर सहकारी साकर कारखाने के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और हर साल ये जमाल शाह बाबा का उरुस मनाया जाता है। तो ये साल हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के वजह और से भोलू पठान और सोलू पठान सोहेल पठान ने आज तांडा बाजार में जमाल से बाबा के उर्स के निमित्त सब धर्मियों को खाना देके और कव्वाली का दो साल से जो कोरोना चल रहा था उस वजह से कुछ सब जगह कार्यक्रम बंद थे, तो भगवान के दया से इन दोनों भाई ने राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से ये उर्स बड़ा धूमधाम से और बड़ा उत्साह के साथ से राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से इन्होंने ये गांव में बनाया। हम इन टांडा बाजार के सब नागरिकों को, सब भाई, सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। और अभी हमारे भोलू पठान भैया ने बताया कि मैं ये राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से ये जमाल शाह बाबा का उरुस हर साल बनाते रहूँगा, भगवान इनकी हर इच्छा पूरी करे और उनको सब खुशी प्रदान करे, ऐसे मैं राष्ट्रवादी तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। भागवत सर यहाँ पर देखने में आया है सभी समाज के लोग ज्यारत के लिए दरगाह में दर्शन के लिए आए हैं और ये एक एकता का प्रतीक है, तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब समाज के लोग सब एक दूसरे को जान पहचानते, हर आदमी का एक दूसरे का भाईचारे का बहुत अच्छा संबंध है। कोई ऐसी बात नहीं कि जो आप बता रहे कि जो चल रहा है ये सब गलत चल रहा है। ये भगवान का मंदिर है और हर समाज का आदमी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, यही मैं बताना चाहता हूँ। सर आपको पूरा नाम बोल दीजिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपकी क्या पद है वो बोल दीजिए। मेरा नाम ठगनराव भागवत पाटिल है, मैं मार्केट कमेटी का माजी सभापति हूं और राष्ट्रवादी का नेता हूं। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता शोएब पठान भैया भी मौजूद है। शोएब भैया पठान से पूछते हैं कि भैया आज जो उर्स मुनाकिद किया गया है यहाँ बाजार तांडे में, तो आगे भी क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उर्स मुनाकिद किए जाएंगे उस बारे में जानते हैं। शोएब भाई बताइए दर्शकों। हम जो है तो राष्ट्रवादी के नेता शोएब पठान बोल रहे हैं, हम आगे भी उरस ऐसे ही बनाएंगे और खुशी रहेंगी, हमारे ठगन बहू भी संगत रहेंगे और हमारी पार्टी को हम जानदार बनाएंगे ऐसे आगे और हर साल इसी उरस बनाएंगे। शोएब भैया आज जो उरस का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है, तो ये प्रोग्राम में क्या क्या कार्यक्रम रखे आपने, कव्वाली के अलावा और दूसरे भी कुछ कार्यक्रम है, उस बारे में बताइए।
कवाली के प्रोग्राम में हमने खाने का इंतज़ाम भी रखे और सभी भाइयों को हमने बुलाए और खुशी इस बारे में सब भाई हमारे बोलने पे आए हैं। यहाँ पर आपका पूरा नाम बोल दीजिए। हमारा नाम पठान शोएब भैया, भोलू खान नवाब खान पठान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में क्या पद है आपकी, वो बोलिए। युवा नेता हूँ मैं, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता का। अभी दरगाह में जहाँ उर्स मनाया जा रहा है, इसका पूरा एड्रेस बता दीजिए दर्शक। जमाल शाह बाबा, टांडा बाजार, तालुका सिल्लोर, जिला औरंगाबाद। हमारे साथ मौजूद है भोलू खान, नब्बू खान पठान साहब भी, उनसे भी जानते हैं। भोलू भाई, आपने अभी कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी आइंदा दिनों उर्स की तकरीब मनाई जाएंगी, तो उस बारे में पूरी तफसील बताइए। हम 2 साल से उर्स बंद था कोरोना की वजह से, हमने हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के नाम से टांडा बाजार का उर्स मना रहे हैं। हम सब कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के सभी लोगों को अपने यहाँ पे बुलाया है और धूमधाम से हम मना रहे हैं और हमारी पार्टी के नाम से, हम राष्ट्रवादी के नाम से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। मैं एडवोकेट अशोक राव वैभव ताडे, मैं आते बहुत दूर से, यहाँ पर टांडा बाजार में उर्स का जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो अपने गोलू भैया और उनके सहकारी मित्र परिवार, इन्होंने एक अपने सिल्लोड सोएगा मतदार संघर्ष छोड़ के पूरे औरंगाबाद जिले में ऐसा एक एकता का प्रतीक ये उर्स के माध्यम से बताया है। निश्चित रूप से आज मैं मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से इतना प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने ये उर्स के माध्यम से जनता को, जो यहाँ पर आने वाले नागरिक है उनके लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम रखा है और उसके बाद उनको खाने का इंतजाम भी करे हुआ है। निश्चित रूप से मैं मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष तरफ से मैं उर्स के निमित्त से अपने गोलू भैया और उनके सहकारी मित्र इनको मैं सबको ये प्रोग्राम के निमित्त उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से सभी नागरिकों को एक एकता का संदेश जो अपने को मिल रहा है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने जो आयोजित किया है, ऐसा मैं एक रूप एकता का रूप आपको बोल देता हूँ। और निश्चित रूप से इसके आगे भी जो गोलू भैया उन्होंने बोला अभी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष इसके बाद हर उर्स में हमारे और से जो कार्यक्रम होता जाएगा वो निश्चित रूप से हर साल तो हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद के कॉर्पोरेटर जनाब अयूब खान साहब, जो ज्यारत के लिए यहाँ आए हुए हैं। अयूब खान साहब से पूछते हैं, अयूब खान साहब, आप औरंगाबाद से ज्यारत के लिए आए तो उस बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, आज यहाँ पर जो टांडा बाजार में आज बहुत धूमधाम से आज यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है और राष्ट्रवादी के युवा नेता शोएब पठान और भोलू भाई इनके तरफ से सभी लोगों को, गांव के बहुत से लोगों को यहाँ पर दावत दी गई थी और खाने का इंतज़ाम किया गया था। हमारे साथ में अभी राष्ट्रवादी के सभी हमारे सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं भोलू भाई को और शोएब पठान को मुबारकबाद देता हूँ और आगे इसी तरीके से लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जो भी काम कर सकते हैं, वो लोगों का यानी डेवलपमेंट का काम जो कर सकते हैं उन्होंने करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम करना चाहिए, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ।